रही हूँ सबसे बड़ा दुकान देवा जी का। तो वहाँ पे बहुत सारे रोलर कोस्टर्स और क्या है पता नहीं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, तो एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में स्नो पार्क है, वाटर पार्क है और थीम पार्क भी है। और यहाँ पे वेलकम डांस स्टार्ट हो चुका है। हमने सब कैरेक्टर्स के साथ पिक्चर्स भी खींचे। ये जो बड़ी शिप है ना, ये एक अंदर से होटल है। ये है हमारी फर्स्ट इंडोर राइड, आई फॉर इंडिया। अभी हम आई फॉर इंडिया के अंदर है और बहुत मजा आई है। हम हेलीकॉप्टर जैसे बैठे हैं, मतलब देखो एक राइड है ये, पता नहीं कैसी अलग सी राइड है। आई फॉर इंडिया देख का इतना मजा आया कि पूछो ही मत, बहुत मजा ऐसा लग रहा था गाइस, पूरा इंडिया घूम रहा है चॉपर से। सब कुछ स्टैचूज भी दिख रहे थे, बहुत यूनिक यूनिक पीस भी दिख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। चलो देखते हैं अभी कौन सी राइड होती है आगे। गाइस ये एक शो है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ द डार्क वाटर। थिएटर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। ना मोशन थिएटर का है तो चलो देखते क्या होता है। जाएगा मोशन थिएटर बहुत अच्छा था, रिकॉर्ड करने को नहीं मिला इसलिए वो थिएटर तो बहुत अच्छा था। ऐसा 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 बहुत मजा आई, रोलर कोस्टर राइड जैसा था और ऐसा पूरा उल्टा नहीं होता। तो देखते हैं दूसरा थिएटर कौन सा होता है। तो चलो तो गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं ये वाला शो। लगता है कितना डेंजरस होता है और पता नहीं। चलो छोटा है।
भी हिस्टोरिक इंसान इनके शेल से घर बनाया। उस डायनासोर में राइड इवेंट में मैं पूरी के पूरी गिरी हो चुकी थी। गाइस वो राइड तो बहुत ऐसा, हम आ रहे थे ना वहाँ से, देखो आपको वहाँ से दिख रहा होगा, हम आए ना वो रुक अच्छा फायर ऐसे करके आया हम। देखने के बाद हम थोड़े से राइड्स करेंगे मजेदार वाले से वाले। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं मिस्टर इंडिया, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी हम मिस्टर इंडिया मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। वैसे जो हमने राइड की थी वो वाली साइकिल वाली वैसे ही है। ये बड़ी साइज ला रहा है। मोगैम्बो इज बैक। मिस्टर इंडिया द राइड। वेलकम मिस्टर इंडिया। अनिल कपूर, श्रीदेवी, बोनी कपूर। तो गाइस अभी आई है वॉर्ड ऑफ गॉड्स में, तो चलो देख, बहुत अलग अलग टाइप्स का गॉड है, आप ऊपर देख सकते हो वैसी लाइट है। तो चलो देखते हैं कौन से गॉड्स दिखते हैं। बहुत भयानक एक्सपीरियंस, और फायर थी उसमें, फायर वाटर और क्या था मैं तो डर गई थी पूछे मत। और पता है क्या, कितनी फायर लग गई थी, पूरे जगह वाटर में फायर लग गई थी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गाइस ये था एक सलीम घर राइड जो बहुत हॉन्टेड राइड थी। गाइस अभी हम इस राइड में गए थे कौसम सलीम, तो ये राइड भयानक थी, हॉरर थी, मतलब एक गुफा थी उसके अंदर, पता नहीं कोई कोई रियल आदमी था कोई कोई नहीं, हमको कोई कोई रियल लगा। ये बहुत डरावनी थी, उसने बुड्ढा ने बोला अगर आपको निकलना है तो बहुत रियली निकलना पड़ेगा, इस स्क्रीन पर बोला, ठीक है। फिर यहाँ पे गया और करके पटाख से नीचे हो गया, वैसा ही ऐसे हो गई थी। हमारी नेक्स्ट राइड थी अलादीन। गाइस ये थी एक शूटिंग राइड जहाँ पे विलन्स को हमको शूट करना था। गाइस अभी हम अली बाबा के केव में गए थे, वहाँ पे बहुत सारे विलन्स थे, एक गन दी गई थी हमको, उसको उठा के विलन्स को मारना था गन से, हमने मारे पर मेरा एक भी पॉइंट नहीं भरा। पर और वहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर था, तो ये तो खत्म हो चुका है। पर अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट राइड में, वो पता नहीं कौन सी राइड है, मुझे भी नहीं पता कहाँ जाने वाले हैं। तो
थी डेयर टू राइड जो कि बड़े बच्चों के लिए थी। ये पेंडुलम राइड तो बहुत खतरनाक थी। ये बड़ों की राइड थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। ये एक बोट राइड थी जिसमें हम दूसरों पे पानी उड़ा सकते थे और क्योंकि उनमें वाटर गन्स लगी थी। यहाँ पर एक छोटी सी डबल डेकर बस थी जिसमें बैठ के मजा आया। आपने देखा ना मेरे को कैसी गाड़ी चलानी आती है। तो अब एंड इट्स टाइम टू कार्निवल परेड। ये राइड एलिफेंट मैजिक का मेन कैरेक्टर है। मेरा नाम है टबी। मुझे ये एलिफेंट बहुत पसंद आया। Thank you.
गया है, पूरा मैजिक का खत्म, हमारे राइड्स पूरे हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।